एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसके ऊपर क्लास 10 बोर्ड एस्पिरेंट्स, क्लास 11 के स्टूडेंट्स, क्लास 12 बोर्ड एस्पिरेंट्स और साथ साथ में नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चे पूर्ण विश्वास रखते हैं। एनसीईआरटी को बेस बनाकर वो सारी पढ़ाई को बनाते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को वो बहुत ढंग से पढ़ते हैं, उसको डिकोड करते हैं और उसी के बेसिस पर वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पर स्टूडेंट्स, आजकल एनसीईआरटी को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, आप सब कंफ्यूज हो रहे हो कि हमको करना क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि एक वीडियो, एक मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी ने सिलेबस को कट कर दिया है, एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस को रिवाइज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी, एक एक करके अपन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको एक्चुअली करना क्या है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल कि क्या एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिवाइज किया है, तो इसका जवाब है हाँ, एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस 100% रिवाइज किया है। और ये सिर्फ क्लास 10, 11 और 12 के लिए नहीं, इनफैक्ट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस रिवाइज किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है कि हाँ, सिलेबस 100% रिवाइज हुआ है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रिवाइज सिलेबस 23 नीट एस्पिरेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये नीट 24 के लिए एप्लीकेबल है, ये कब से लागू होगा। तो इसके ऊपर एनसीईआरटी ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि ये रिवाइज सिलेबस जो है, ये जो रैशनलाइज सिलेबस है, ये किस सेशन से एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं कहा है। तो इसीलिए इस पॉइंट को अपने दिमाग से निकाल दो कि ये नीट 23 के लिए एप्लीकेबल होगा, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। जितने भी नीट 23 के एस्पिरेंट्स हैं, अभी आपके फॉर्म्स बस आने में ही होंगे, एनटीए जैसे ही आपके फॉर्म्स को रिलीज करेगा उसके साथ आपको एक सिलेबस भी अटैच मिलेगा, तो वहां पर हमको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ये रैशनलाइज सिलेबस जो है, क्या वो इस साल नीट 23 के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। पर जब तक आपके फॉर्म्स नहीं आते हैं, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं, जिस टाइम टेबल को आपने बना रखा है, उसी को फॉलो करें। जैसे ही सिलेबस आएगा, हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अब हमको क्या करना है। पर अब तक आप यही फाइनल रखिए कि एनटीए पूरा सिलेबस ही देगा जब तक फॉर्म्स नहीं आ जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ये जो रैशनलाइज कंटेंट है, ये किस बेसिस पे डिसाइड हुआ है ना। हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि बेसिस क्या है इस सिलेबस को रैशनलाइज करने का। तो बच्चों, इसका सीधा आंसर है कि सीबीएसई ने जो अपना सिलेबस रैशनलाइज किया है वो कोविड के बेस पे किया है, कि कोविड आ गया तो कुछ टॉपिक्स उन्होंने ड्रॉप कर दिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे बच्चों जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट थे, जिनको पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं था, वो टॉपिक्स एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। तीसरा, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे बच्चों जो ओवरलैप करते थे, ओवरलैपिंग टॉपिक्स मतलब आधा पार्ट अपन किसी चैप्टर में पढ़ते थे, आधा पार्ट किसी चैप्टर में पढ़ते थे। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आप बायोलॉजी में भी पढ़ते थे और केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे। तो ऐसे ओवरलैपिंग टॉपिक्स को सीबीएसई ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है। बट ये एप्लीकेबल कब से होगा, इसके बारे में हमको कोई क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को वैसे ही करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। अब नीट 24 वाले स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि मैम हम क्या करें, हम इस रिवाइज पोर्शन को फॉलो करें या जो ओरिजिनल सिलेबस है उसको फॉलो करें। तो नीट 24 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम ये सजेशन दे सकते हैं, उनको हम ये बोल सकते हैं कि बच्चों, आप उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो या उन सब टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो जो डिलीट नहीं हुए हैं। जो डिलीटेड पोर्शन है उसको आप जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तब तक आप उसे अभी टाल सकते हो। बट हाँ, नीट 23 के बच्चों को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो 11th और 12th की एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं कि 12th एनसीईआरटी से क्या क्या कट हुआ है और 11th एनसीईआरटी से क्या क्या कट हुआ है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो है वो पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट वाला जो चैप्टर है, इसको पढ़ने में बहुत तकलीफ होती थी, ये एनसीईआरटी ने पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है। ऐसे ही यहां पर आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स है जो कि एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए हैं। और एनसीईआरटी इतनी प्रिसाइज तरीके से चीजों को डिलीट कर रही है कि वहां पर उसने समरी के पैराग्राफ्स भी मेंशन कर रखे हैं कि इस समरी में से पैराग्राफ 2 डिलीटेड है, उस चैप्टर की समरी से पैराग्राफ 3 डिलीटेड है।
और साथ साथ में क्वेश्चंस को भी डिलीट किया है कि क्वेश्चन नंबर 10 डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 12 डिलीटेड है। तो एनसीईआरटी ने बहुत प्रिसीशन से इस पूरे सिलेबस को रिवाइज किया है। ठीक है, एक बार क्लास 11 के सिलेबस को भी देख लेते हैं। जो चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, उससे व्हाट इज लिविंग, टैक्सोनॉमिकल एड्स, बोटानिकल गार्डन्स, इन सारे सब टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। और आप यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी डिलीटेड है। ऐसे ही प्लांट किंगडम में से एंजियोस्पर्म्स, प्लांट लाइफ साइकिल, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सारी चीजें क्या है, डिलीटेड है। अब आप देखो एंजियोस्पर्म्स को यहां से क्यों डिलीट किया, क्योंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं क्लास 12th में, तो ये टॉपिक उससे क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो यही मैंने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से ये सारे सब टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। ऐसे ही एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से बहुत सारे सब टॉपिक्स डिलीटेड है। ये सारी चीजें आप जब एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको इस तरह से लिस्ट ऑफ रैशनलाइज कंटेंट देखने के लिए मिलेगी, क्लासिक 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, वहां पर आप जाकर अपने रिवाइज रैशनलाइज सिलेबस को देख सकते हैं। तो बच्चों अभी आपको मैं सिर्फ ये एडवाइस दूंगी कि हाँ एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिवाइज किया है, बट एप्लीकेबल ईयर कौन सा होगा ये हमको नहीं पता। तो बस आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है वेबसाइट पे कि ये रिवाइज सिलेबस, ये जो रैशनलाइज सिलेबस है, ये कब से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, लेट्स क्रैक इट।